सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे आसानी से कैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर इससे पहले भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाने के लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब में, देखिए रहा इंसर्ट टैब, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है स्मार्ट आर्ट पे, ये रहा स्मार्ट आर्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट का छोटा सा एक विंडो ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा स्मार्ट आर्ट का विंडो। अब देखिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, हमको जाना है हायरार्की। ये रहा हायरार्की, हायरार्की पे क्लिक किया हमने तो ये देखिए बहुत सारे तरीके हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाने के, इनमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया हमने और यहाँ नीचे देखिए ओके का बटन है, इस पर क्लिक करते ही एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ बन करके आ गया। अब ध्यान से देखिएगा हमें कलर कैसे चेंज करना है और इसको फॉर्मेट कैसे करना है, और ये अगर बॉक्स हम और ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कलर देखते हैं। तो इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन का मतलब ये देखिए चारों तरफ छोटे छोटे सर्किल बन करके आ गए। जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर दो नए टैब दिखाई पड़ेंगे, डिजाइन और फॉर्मेट टैब। ये रहा डिजाइन और ये रहा फॉर्मेट। डिजाइन पे आप क्लिक करिए और यहाँ देखिए कलर चेंज करने का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर क्लिक करिए और कोई भी एक मॉडल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने देखिए यहाँ से ले लिया कलर, ठीक है, एसेंट कलर्स। ठीक है, इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ देखिए कलर वगैरह चेंज हो गया। अब इसमें अगर हमें बॉक्स ऐड करना है तो हमको जाना है यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, डिजाइन टैब में ही रहना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिजाइन टैब में ही रहना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखिए ऐड शेप का ऑप्शन है। ठीक है, ये रहा ऐड शेप का ऑप्शन, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और अगर आफ्टर करना चाहते हैं, बिफोर करना चाहते हैं, अबव करना चाहते हैं, बिलो करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अलग अलग तरीके के जो है टैब वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिलो पे क्लिक करके देखते हैं, तो जैसे हमने बिलो पे क्लिक किया ये देखिए नीचे एक नया टैब बन करके आ गया। ठीक, आप अगर इसके नीचे भी करना चाहते हैं तो दोबारा से हमने यहाँ पे ऐड शेप में गए और फिर से बिलो पे क्लिक किया तो आप देखेंगे एक नीचे भी एक टैब बन करके आ गया। ठीक है, तो ये रहा टैब ऐड करना। अब इसका कलर अगर हमें चेंज कर, सॉरी इसका अगर हमें इसमें एडिटिंग करनी है टेक्स्ट, ठीक है, बस यहाँ पे क्लिक किया हमने और देखिए कर्सर ब्लिंक करने लगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर वन हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर नंबर टू लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको एडिट कर लिया। और उसके बाद अगर इसको और आर्टिस्टिक लुक देना चाहते हैं तो देखिए ये सारे तरीके हैं आर्टिस्टिक लुक देने के, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए तो आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही ये देखिए इसका जो मॉडल है वो एकदम बदल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।